अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए फैमिली के बारे में वाइफ है हैं, हाँ वाइफ है मेरी uh, मनीषा एंड uh, ये मैं बता दूं कि uh, उनका मेरी लाइफ में बहुत जबरदस्त रोल रहा बिकॉज शी वॉज एन एम इन केमिस्ट्री जब हमारी शादी हुई मैं तो पढ़ाई में काफ़ी उनके मुकाबले में कम भी था और मुझे साइंस और मैथ से कोई uh, दूर दूर का वास्ता नहीं था तो इनफैक्ट हर सपोर्ट एट ईच स्टेज स्पेशली इन माई अकेडमिक्स वॉज ट्रेमेंडस शी गेम वी दिस फीलिंग की नहीं नहीं यूर केपेबिलिटी इज मच मोर देन आई समहास माई सेल्फ लेस देन वॉट आई एम टू डे तो मेरी वाइफ का मेरे जीवन साथी का बहुत जबरदस्त रोल रहा है uh, इस चीज़ में प्लस जब मैं फील्ड में था इधर उधर जाता था वी हैव टू बॉयज शी ब्रॉड देम अप दे आर वंडरफुल बॉयज वेरी हेल्थी टॉल पीपल डन इंजीनियरिंग फ्रॉम डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोथ ऑफ दैम वेरी गुड इन स्टडीज तो उसमें सारा का सारा वॉज वाइफ का दें शी हेल्ड द होम शी वॉज एंड इसके अलावा शी कैप टीचिंग उन्होंने मेरे साथ अपनी जॉब छोड़ी उन्होंने शी वॉज अ लेक्चरर इन कॉलेज छोड़ दी जॉब ये थी uh, जब मेरी शादी हुई एटी एट हां क्योंकि मेरे साथ मैंने कहा देखो अगर यहां तुम नौकरी करती रहोगे फिर फायदा नहीं है शादी करने देन शी हेज अनदर परमानेंट जॉब एज प्लस टू लेक्चरर वो छोड़ दी तो फिर वो मेरे साथ साथ जहाँ मेरी पोस्टिंग होती वो कहीं नर्सरी से लेके उन्होंने ट्वेल्थ तक पढ़ाया okay. हर दो साल में अच्छा वो कहीं कही कहीं ना कहीं आर्मी स्कूल में सेंट्रल स्कूल में या किसी उसमें और बच्चों को पढ़ाती रही तो वाइफ का बहुत और आर्मी में है भी वाइफ का रोल बिकॉज यू आर नॉट एट होम इवन पीस में हम घर में नहीं होते तीन तीन चार चार महीने निकल जाते हैं फायरिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए दूर चले जाते हैं कहीं हज़ार किलोमीटर दूर कहीं चले गए फिर तीन चार महीने में आए आप तो इट इज अ वाइफ हु टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन द पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज क्लोजर टू माई वाइफ देन मी मेरी मदर यूज टू स्पीक मेरे से अगर एक मिनट बात होती थी वाइफ से पंद्रह मिनट बात होती थी शी हेल्ड माई फैमिली टुगेदर शी ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन एंड मेरे जो फैमिली में जो आज मेरा जो भी स्टैंडिंग है इज बिकॉज ऑफ हर बिकॉज शी हेज रिमेन इन टच विद ऑल माई रिलेटिव एंड सबके साथ प्रॉबली कहीं ना कहीं एक स्टेज आता है सबकी लाइफ में जहाँ आप Uh, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर गए यानी कि हमारा बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है मोस्ट कॉम्पिटिटिव आई थिंक एनवायरमेंट टू रीच द टॉप इज इन डिफेंस फोर्स हमारा पिरामिड ऐसे है वी हैव ओनली वन चीफ और वो तीन चार कोर्स में से जाके बनेगा वी हैव फिफ्टी और लेफ्टेंट जनरल्स सो दैट विल बी यू नो नॉट इवन वन परसेंट मेक इट वेर आई रीच मे जनरल नॉट इवन वन एंड हाफ परसेंट मेक इट टू दैट रैंक सो माई बैच Out of 1,100 officers, maybe we are 30-35 who made it to this rank top. It is a very, very steep pyramid. Mm. So there, each stage, each performance, each uh, years, your output is uh, is important. So I couldn't have at least I didn't have this uh, in me when I joined. If it was not her contribution.